हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु बिश और आप हैं द बिशन चैनल पर। सो आज मैं लेके आया हूं अपना थर्ड लाइफ सीरीज का थर्ड एपिसोड, वो भी किसके ऊपर? हमारे ब्रिस्क एनर्जेटिक रणवीर सिंह पर। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे रापचिक रणवीर को, वो है क्या? एनर्जेटिक के अंकल के दादा के मामा के चाचा के दादा। उनका कहना है कि क्या हर एक जो भी उनका इंटरव्यू होता है उसमें वो सबकी ले लेते हैं क्या? देखिए रणवीर, आप हमेशा ही एक अलग एनर्जी में रहते हैं, चाहे वो रैंप अप हो या फिल्म में प्रमोशन हो या आज यहाँ पर हो, तो कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? मुझे खुद नहीं पता, शायद मैं कोख से ही ऐसा निकला था। वो रिपोर्टर की भी उन्होंने ले ली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी कुछ ख्वाहिशें भी हैं, बहुत बड़ी वाली ख्वाहिशें जो सिर्फ एक बंदा ही पूरी कर सकता था, वो कर दी। इंदर हो या बीजिंग, एक ही चिंग माँ चिंग। मुझे एक्चुअली हमेशा से एक माँ का रोल करना था और थैंक्स टू रोहित सर, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अच्छा हुआ ये नहीं कहा, अच्छा हुआ रोहित सर ने मुझे माँ बना दिया। तो भैया यही होता है, अगर ज्यादा ही खुलते हैं ना मीडिया वालों के सामने तो साथ वाले ही ले लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बैंग बैंग मूवी आई थी, तो ऋतिक रोशन ने उस टाइम कुछ एक्टर्स को कुछ डेयर दिए थे, तो उनमें हमारे रापचिक रणवीर भी थे, तो उन्हें क्या मिला डेयर तो देखिए। हो गया, हो गया, चलो सॉरी सर। अगर मैं हूं ना तो पक्का पिटन से मिल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब मूवी आई थी तो उसके बाद इनके कुछ लिंकअप्स के कुछ खबरें आ रही थी, तो वही देखकर एक रिपोर्टर ने इनसे कुछ पूछ लिया। वाकई रणवीर आए थे दुबई आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज न्यूज चारों तरफ बहुत ख्याल रख रहे हैं आपका वो, तो यू गाइस आर डेटिंग ईच अदर और क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? आज के शुभ अवसर के लिए मैंने दुबई से ये जैकेट लिया, अच्छी लग रही है। ये दीपिका ने आपके लिए खरीदी थी? जी नहीं, आई वाज नहीं यार, मैं भी पैसे कमाता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। तो भैया ये होती है चल्लाकी जो सिर्फ रापचिक रणवीर के पास है, जैसे कि आप देख ही चुके हैं, पूछा कुछ बताया कुछ। गुंडे मूवी का प्रमोशन चल रहा था तो उसी बीच में मैंने एक वीडियो देखी जिसमें क्या था, भारती भी बीच में थी लेकिन वो उस मूवी में नहीं है, पर पता नहीं क्यों थी। तो उस वीडियो को आप देखेंगे ना तो बहुत कुछ बड़ा है बड़ा है बड़ा है बोलेंगे। रणवीर और अर्जुन आप लोगों को हमने स्क्रीन पे प्रियंका से इश्क फरमाते हुए देखा है, अगर आपको थोड़ा वक्त दिया जाए भारती के साथ इश्क फरमाने के। आप अकेले छोड़ेंगे तो वक्त मिलेगा ना इश्क फरमाने के लिए? अकेले ही आप समझ लीजिए, आप अकेले ही। अच्छा इतनी एक्टिंग कर ले, इतना समझ ले, इतने पैसे नहीं मिलते इश्क तो अकेले ही फरमाया जाता है मैडम। मैडम ऐसे वैसे लड़के नहीं है हम। फिर कैसे लड़के बताइए ना, हम गुंडे हैं। हाँ तो मैं भी बहुत मोटी गुंडी हूँ, और सच बात तो यह है कि हम प्यार करते हैं आपसे दोनों जी। आ जाओ फिर। वो क्या है ना मैडम, हमारा बहुत बड़ा है दिल। हाय रब्बा, सेम टू सेम, मेरा भी बहुत बड़ा है पेट। तो भैया बहुत कुछ बड़ा है दिल, पेट और बातें। एक बारी एक रिपोर्टर ने बोला कि रणवीर सिंह अर्जुन कपूर के वकील है, तो देखिए क्या बोला फिर रणवीर सिंह ने। थोड़ा सा माइक। टीचर हो प्रिंसिपल हो क्या हो सर आप? मुझे तो मैं तो टीचर और प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि रणवीर ने आपको वकील रखा हुआ है अपना। रणवीर ने मुझे नहीं, मैं आई विल डिफेंड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मैं उसका दोस्त हूं, हम सबका वकील है, ये होता है असली यार। रणवीर जवाब देना चाहेंगे? वाह वाह, आई लव यू, आई लव यू टू। रणवीर आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं। तो आप अंडी का शो तो जानते ही होंगे, कॉफी विद करण। तो भैया एक बारी
रणबीर कपूर और रणवीर सिंह एक साथ आए थे उसके शो में, तो उस टाइम रणबीर कपूर ने उनसे कुछ बोला और बताया, तो एक रिपोर्टर ने वही चीज दोहरा डाली, तो देखिए उसका क्या हाल हुआ। प्रॉफिट करण में आपके साथ जब बातचीत हो रही थी कि वो चाहते हैं कि आप जिनके साथ शादी करें और आपके बच्चे जो हों वो रणबीर कपूर के फैन, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना कि आप ले रहे हैं। यही सवाल को लेके जब एक रिपोर्टर बोला तो रणवीर ने अपना मुंह खोला। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं और हाँ हाँ, अगर वो बेहुदा सवाल करेंगे तो आदमी नाराज ही होगा ना। आप खुश होंगे क्या? आपको कोई बेहुदा सवाल करेगा तो आप खुश होंगे? नहीं ना यार, होता है। अब रिलेटिव बात है, मुझे जो बेहुदा लगता है आपको शायद नहीं लगता है, आपको जो बेहुदा लगता है मुझे शायद नहीं लगता है, लेकिन मुझे लग गया तो मैंने बोल दिया प्लीज डोंट आस्क मी बेहुदा सवाल। लास्ट नॉट द लीस्ट, इन्होंने हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े थक शाहरुख खान को एक चैलेंज दे डाला। Very sweet then and he's very sweet now. यहाँ पर basically मेरी तारीफ करने के लिए आया है, so thank you very much. Thank you sir. Obviously आपकी आप तारीफ करने लायक चीज़ ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ आपके सारे iconic dialogues एक साथ बोले जाए तो क्या होगा, जलजला हो जाएगा। पर लेकिन आप नहीं बोल पाओगे। How do you remember so many dialogues at once? So तू kind of challenge कर रहा है, वहाँ से तो sweet दिख रहा था, यहाँ पे आके बदमाशी कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी को, और आपको रोज ट्रेड और थग लाइफ सीरीज में किसी का भी नाम देना हो तो कमेंट करें मुझे, और मैं अपनी कुछ ब्लॉग्स लेके आऊंगा इसी चैनल पे, और अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद ना आए तो ना आए, हम क्या करें भाई, ठीक है? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।